नई सुबह के यूट्यूब चैनल को विजिट करने का शुक्रिया। मजीद मालूमाती मवाद के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारा यूट्यूब चैनल या विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.naisubha.org naisubha.org। अस्सलाम वालेकुम, नई सुबह इंडिपेंडेंट लिविंग प्रोग्राम की ब्यूटी टिप्स के साथ मैं हूं नादिया। अगर आप रीबाउंडिंग और कैरोटीन ट्रीटमेंट जैसे प्रोसीजर्स को अवॉइड करते हुए बालों को स्ट्रेट रखना चाहते हैं तो सिंपली 3 से 4 चम्मच चावल लें, अच्छी तरह से वॉश करें और ओवरनाइट के लिए पानी में भिगो कर रख दें और नेक्स्ट मॉर्निंग इस पानी को छान कर अलग कर लें। अब एक पैन लें, इसमें 2 कप पानी शामिल करें और हाई फ्लेम पर पानी को बॉयल करें और जब पानी बॉयल होना शुरू हो जाए तो इसमें 3 से 4 चम्मच फ्लैक्स सीड्स यानी अलसी के बीज शामिल कर दें और साथ ही राइस वाटर भी शामिल कर दें। 5 से 6 मिनट तक तेज आंच पर इस पानी को बॉयल होने दें। थोड़ी ही देर के बाद ये पानी स्टिकी होना शुरू हो जाएगा और इसकी कंसिस्टेंसी भी थिक होना शुरू हो जाएगी। 5 से 6 मिनट के बाद फ्लेम को ऑफ कर दें। एक मलमल का कपड़ा लें और एक बोल में रखें और मलमल के कपड़े में इस जेल को छान लें। गरम गरम छान लेने से बीज जेल से आसानी से अलग हो जाते हैं। जब ये जेल ठंडा हो जाएगा तो इसकी कंसिस्टेंसी मजीद थिक हो जाएगी। अब अपने बालों को अच्छी तरह से ब्रश करके डीटैंगल कर लें और हाथ या ब्रश की मदद से ये जेल पहले स्कैल्प और इसके बाद बालों की लेंथ पर अच्छी तरह से अप्लाई करें और जब सारे बाल जेल से अच्छी तरह से कवर हो जाएं तो बालों का हल्का सा बन बना लें और शावर कैप या पॉलीथीन बैग से कवर कर लें। 30 से 45 मिनट के बाद बालों को शैम्पू करें, नेचुरल एयर में ड्राई करें एंड लास्टली स्ट्रेट एंड स्मूथ शाइनी सॉफ्ट हेयर एंजॉय करें। ये तो थी आज की ब्यूटी टिप। टिल नेक्स्ट टाइम, अल्लाह निगेबान। ये मालूमाती मवाद नई सुबह की जानिब से पेश किया गया। अपनी आरा के इजहार के लिए कमेंट कीजिए या डिस्क्रिप्शन में दिए गए रास्ते के जराए इस्तेमाल कीजिए।